यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल पर रहे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशंस के ओर। रास्ते में बहुत सारा बारिश हो रहा था। हम लोगों का जो ट्रेन है वो रात को 11:55 को हावड़ा स्टेशन से है, जो कि है चेन्नई मेल। हमारा जो टोटल जर्नी है वो 27 घंटा 20 मिनट की है। तो हम लोग अपने कार से जाने वाले थे, लेकिन इतना भयंकर बारिश बाहर में शुरू हुआ है 9:30 बजे से, तो हम लोगों का जो प्लान था पूरा चौपट हो गया। तो हम लोगों को प्लान को थोड़ा रिवर्स करके हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं। तो बहुत दिन के बाद हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई नहीं है ट्रेन में। सो कुछ गिने चुने आदमी हैं, तो हम लोग थोड़ा टेंस है कि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं और हमारे ट्रेन 11:55 पर है। तो देखते हैं क्या होता है, चलिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कभी अभी दिया भी थोड़ा टेंस है और इतना जोर बारिश हो रहा है बाहर, तो उसके मम्मी वो जो खिड़की है उसको बंद कर रही है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा स्टेशन और हम लोग अभी 23rd नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं हमारे ट्रेन के लिए है। रात के 12 बजे काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। हम लोग अभी अपने कोच पोजिशन के सामने में आ चुके हैं और हमारा जो फर्स्ट क्लास का कूप है वो यहीं पे आएगी। सो हमारा जो ट्रेन है वो 23rd नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और इस ट्रेन का नंबर है 12839, हावड़ा से चेन्नई जाने वाली चेन्नई मेल। इसका कुल स्टॉपेज 35 है। ये ट्रेन 27 घंटे में टोटल 1633 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी। सो ये है हमारा फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट, जो कि ट्रेन के एकदम आखिर में है। चलिए आपको ट्रेन के अंदर का जो व्यू है उसको दिखाते हैं। इस कंपार्टमेंट में टोटल 24 सीट्स रहता है, जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में डिवाइडेड है। ये रहा हमारा कोच जिसका नंबर था ई। चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर का व्यू। अभी रात बहुत हो चुके हैं, हम लोग सोने की तैयारी में हैं, मिलते हैं कल सुबह। अभी हम लोग हैं उड़ीसा में और हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं महानदी ब्रिज, जो कटक से पहले आती है। आपको सन दिखाई दे रहा है ऊपर में खिलखिलाती हुई। किसी शायर ने कहा है कि नदियाँ ही जीवन की रेखा है, क्या आपने गौर से नहीं देखा है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटक। यहाँ पे ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हम उठ चुके हैं। सो जाओ, फिर से सो जाओ। हाँ, इतने सुबह उठ के क्या करूँ। पापा लाने गए पानी, जो पानी बोतल था वो खत्म हो चुकी है। मतलब थोड़ा सा बचा है तो वो पानी ला रहे हैं, शायद वो अभी आ गया। हाँ, आ गए। हम लोग कटक निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत ठंडा है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ का बाथरूम कैसा है ट्रेन का। चलिए देखते हैं। तो ये रहा बाथरूम। बाथरूम का हालत बहुत ही खराब है, यहाँ पे डस्टबिन पड़े हुए हैं, यहाँ पे गीजर है, यहाँ पे हैंड शावर है,
यहाँ पे बेसिस वगैरह है, यहाँ पे लिक्विड गिर रहा है, बहुत कम पानी भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, पानी तो पड़ रहा है और लिक्विड भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई पेपर वगैरह कुछ है नहीं। अपोजिट डायरेक्शन में और एक बाथरूम है, इस बाथरूम में भी आपको टैप और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे एक टॉयलेट कुछ है, कुछ खास नहीं है। सो ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ते हुए चल रहा था अपने मंजर की ओर। ये हमारा जर्नी ऑफ लाइफ भी डिस्क्राइब कर रहा था। जस्ट रीच टू द बैरकपुर स्टेशन, अभी ट्रेन एक घंटा लेट चल रहा है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, कितना लेट करता है ये ट्रेन, चलिए देखते हैं। तो सुबह में काफ़ी अभी नींद सूख गई है और विद्या अभी भी सो रही है, उसका नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो घर से लाए थे हम लोग, लाए थे क्रॉसो एंड केक, ऑल्सो सम चिप्स। हम लोग अभी सुबह में ब्रेकफास्ट वही कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विजयनगरम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित है। सो हमारी ट्रेन बहुत ही तेज दौड़ रहा था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो था वाइजैग। वाइजैग स्टेशन से पहले हमको काफ़ी सारा पहाड़ देखने को मिला और यहाँ का जो नज़रिया था वो बहुत ही सुंदर था। मतलब ट्रेन से हम लोग जो महसूस किए वो आपको क्या ही बताएं। सो हम लोग पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम जंक्शन और यहाँ पे ट्रेन का इंजन भी चेंज होगा और ये ट्रेन अभी रिवर्स दौड़ेगी। हम लोग IRCTC ऐप से इस स्टेशन में खाना ऑर्डर किया था, जो था बहरूज का बिरयानी। वो आप देख रहे हैं कि काव्य देवी बहुत इंजॉय कर रही है। यहाँ पर ट्रेन का सफाई भी हो चुका है और आप लोग जैसे कि देख रहे हो कि पार्सल्स वैन लोड हो रहा है और इंजन भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो अभी ये अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर दौड़ेगी। सो ट्रेन ने फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया। अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है राजामुंद्री। तो ये है हमारा फास्ट एसी का कंट्रोल पैनल, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा स्विचेस है, यहीं से आपका एसी का जो तापमान है और जो लाइट वगैरह है यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए अलग से एक इलेक्ट्रिशियंस भी रहते हैं ट्रेन में। सो जर्नी के दौरान कभी अभी दिया थोड़ा बोर हुई थी, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप लोग अगर डांस करना चाहो तो आप ट्रेन में कर सकते हो। सो वो लोग अपना डांस दिखा रहे हम लोगों को और हम लोग उन लोगों के रील बना रहे थे। तो इसी तरह हम लोगों का जो सफ़र था वो और भी रंगीन हो चुका था। नाउ वी हैव रीच टू द राजामुंद्री स्टेशन और यहाँ पे आपको जो साउथ के सबसे बड़े नदी है जिसका नाम है गोदावरी, इसके बाद ही वो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गोदावरी रिवर। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। तो ये जो ब्रिज है इसको गोदावरी आर्क भी बोला जाता है और इसका कुल लंबाई 1.435 किलोमीटर है। कहा जाता है ये गोदावरी रिवर का लंबाई कुल 910 माइल है और ये इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है
उसका टोटल 10% कवर करता है। सो हमारा ट्रेन इस पूरे बीच को कवर करने में 5 से 10 मिनट का वक्त लिया। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा और हम लोगों का डिनर भी कंप्लीट हो गया है और सुबह में थोड़ा जल्दी भी हम लोगों को उठना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी सो रहे हैं। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और ट्रेन 1 घंटा लेट था हमारा। अगर हमारा ट्रेन जर्नी आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।